कुछ हम लोग डिफ्रेंसिएशन के सेलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू हम लोगों को dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इन ईच केस, हम लोगों को हर क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना है। चलिए शुरुआत करते हैं, बुलाइए साहब को। पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस साइन एक्स, ये कार्यक्रम इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो इनफाइनाइट तक चल रहा है तो एक सिमिलर टाइप के फंक्शंस को हम लोग जो है, जैसे यहां पर देख रहे हैं कि रूट में साइन एक्स है, फिर प्लस रूट साइन एक्स, फिर प्लस रूट साइन एक्स, ये बहुत दूर तक जो है ये इनफाइनाइट टर्म्स तक ऐसा चल रहा है। तो एक साइन एक्स को छोड़ करके और जितना है उसको हम लोग जो है वाई एज्यूम कर लेंगे। जैसे यदि कहें कि ये पूरा जो है एक समुद्र है, ये अथाह सागर है, इस सागर का एक ड्रॉप भी यदि हम लोग पकड़ लें तो उससे इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, इसको ऐसे लिख लिए, क्यों इस पूरे को वाई मान लें, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दीजिए तो हमको क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका अंडर रूट गायब हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई। अब हम लोग जो है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो वाई स्क्वायर जैसे है, वाई स्क्वायर को जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक क्षण के लिए इसको एक्स मान लेते हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन जो है एक्स के रिस्पेक्ट में 2x आएगा तो यहाँ 2y लिख देंगे, फिर वाई को फिर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे 2y dy वाई बाई डी एक्स। यदि हम कहते कि डी बाई डी एक्स वाई क्यूब क्या आएगा तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। यदि ये रहता डी बाई डी एक्स वाई पावर 4, इसकी वैल्यू हो जाएगा 4y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स। तो ऑन डिफ्रेंसिएशन इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 2y डी वाई बाई डी एक्स। अब साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन cos x, y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स। इसको इधर बुला लीजिए, एक तरफ कर लीजिए, dy बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू cos x, यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x बाई 2y माइनस 1, ये आंसर आ जाएगा। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, y इज इक्वल टू log x, log log sin x, और y इज इक्वल टू log sin log x पावर 5, हम लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे। चलते हैं, y इज इक्वल टू log log sin x। अब इसमें हम लोग अंदर से टर्म बाय टर्म को जो है हम लोग मानते चलेंगे। जैसे साइन एक्स है, इसको कुछ मान लें, साइन एक्स को हम मान लिए टी, साइन एक्स को मान लिए टी, तो साइन एक्स को टी मान लिए तो इसको एक्स के सापेक्ष कर दें, इस टी को बल्कि इधर लिख दीजिए अच्छा रहेगा, टी इज इक्वल टू साइन एक्स।
एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब ये देखिए ये टी हो चुका है, अब लॉग टी को पी मान लीजिए, पी इज इक्वल टू लॉग टी, इसको टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू वन बाई टी, क्योंकि लॉग एक्स का वन बाई एक्स होता है। अब ये वाई इज इक्वल टू आ जाएगा लॉग, ये पूरा टर्म जो है आप पी माने हैं तो इसको पी कर दीजिए, डी वाई बाई डी पी इज इक्वल टू, इसको पी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वन बाई पी। हमको निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, तो इट कैन बी रिटेन एज डी वाई बाई डी पी इंटू डी पी बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ऐसे भी देख सकते हैं, ये डी टी से डी टी कटेगा, डी पी से डी पी कटेगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, यही निकालना है। सब वैल्यू पुट कर दीजिए, कॉस एक्स या यहां से ही रखिए, वन बाई पी, वन बाई टी कॉस एक्स। अब वन बाई पी के जगह है लॉग टी, लॉग टी, टी की वैल्यू है साइन एक्स, वन बाई टी, टी के जगह है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। कॉस एक्स बाई साइन एक्स को लिख सकते हैं कॉट एक्स, कॉट एक्स बाई लॉग साइन एक्स, ये आ जाएगा आंसर्स।